आज हम बात करने वाले बच्चे इवैल मेथड की। इवैल मेथड करता क्या है पाइथन में, उसको हम देखेंगे और कैसे इसको हम डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके का मतलब, अगर हम सिंपल इवैल में कोई भी स्ट्रिंग लें, कोई न्यूमेरिक वैल्यू लें, तो कैसे ऑपरेट करेगा, और साथ में अगर हम इसको इनपुट फंक्शन जो हमने पढ़ा हुआ था उसके साथ भी हम क्या कहते हैं ऑपरेशन प्रोसीजर के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं बेटा इवैल फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं इवेल फंक्शन होता क्या है। तो जो इवेल फंक्शन या मेथड है, वो आपसे एक एक्सप्रेशन लेता है, इन जनरल एक्सप्रेशन एक्सेप्ट करता है। जो एक्सप्रेशन होगा वो स्ट्रिंग के टर्म में होगा, ध्यान रखना। जो भी एक्सप्रेशन एक्सेप्ट करेगा वो आपका स्ट्रिंग के टर्म में होगा। अगर स्ट्रिंग के टर्म में, तो आपको पता है कि अगर मैं एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब अगर स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा तो या तो डबल कोट्स के अंदर होगा या तो सिंगल कोट्स के अंदर होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इवेल के अंदर हम जो भी पार्सिंग करते हैं वो एक्सप्रेशन की पार्सिंग करते हैं या एक्सप्रेशन को पास करते हैं, ठीक है। अब जब वो पास करेंगे तो एज ए स्ट्रिंग पास होगा, कैसे उसको इवेलुएट करेगा ये हम देखेंगे। अब अगर अपन सिंपल इवेल फंक्शन के बारे में बात करें, तो इवेल फंक्शन पाइथन के कोड को रन करता है। कैसे पाइथन के कोड को रन करता है, जो कि उसके आर्ग्यूमेंट में एज अ स्ट्रिंग पास हुआ होता है उसके बेस पे रन करता है। इवल फंक्शन के अंदर आप क्या करते हो, एक आर्ग्यूमेंट पास करते हो, एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट की हम बात करें। सिंटेक्स में देखोगे तो हमारे पास सिंटेक्स में तीन चीजें होंगी जो अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो एक्सप्रेशन के बेस पे जो कि आपका स्ट्रिंग होगा उसको रन करेगा और उसके बेस पे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अगर इन जनरल अगर अपन सिंटेक्स की बात करें, इवेल फंक्शन के सिंटेक्स की बात करें, तो तीन टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करें तो होता है एक्सप्रेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया एक्सप्रेशन क्या होगा, कोई भी स्ट्रिंग, ठीक है, इनपुट आपको स्ट्रिंग के टर्म में करना होगा। आइदर आप स्ट्रिंग लेना चाहते हो या न्यूमेरिक वैल्यू लेना चाहते हो या डेसिमल वैल्यू लेना चाहते हो, लेकिन एक्सप्रेशन जो होगा वो पास होगा स्ट्रिंग के टर्म में। दूसरा होता है ग्लोबल्स। अगर आपने कुछ भी नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ईवेल के अंदर एक्सप्रेशन तो होना ही होना चाहिए। बाकी तीन टर्मिनोलॉजीज में से जो दूसरा टर्मिनोलॉजी है ग्लोबल्स, अगर हम ग्लोबल्स की बात करें तो ग्लोबल्स का सिंपल मतलब है कि आप जो वैल्यू देना चाहते हो आपकी, वो कहना चाहिए ग्लोबल डिक्शनरी का पार्ट है, ठीक है। मतलब उसको आपने डिक्लेयर जो किया हुआ है वो पूरे प्रोग्राम के लिए किया हुआ है। तो सबसे पहली बात आई एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन का मतलब सिंपल, आपने स्ट्रिंग को पार्स कर दिया, ठीक है, और पास कर दिया फॉर पार्सिंग इट, ठीक है। अब वो स्ट्रिंग इवेलुएट होगा पाइथन एक्सप्रेशन जैसा, ठीक है। अब पाइथन एक्सप्रेशन जैसा इवेलुएट होके वो रिजल्ट देगा। दूसरा मैंने बोला ग्लोबल्स ऑप्शनल वैल्यू है, इसको ग्लोबल डिक्शनरी का पार्ट मानता है। तो अगर आप कोई ग्लोबल वैल्यू डिक्लेयर करते हो तो आप ग्लोबल्स के अंदर उसको डिक्लेयर कर सकते हैं और डिफाइन भी कर सकते हैं साथ में। थर्ड होता है लोकल्स। लोकल्स भी आपका ऑप्शनल है, ठीक है। ये आपका कैसा होगा, मैपिंग ऑब्जेक्ट होगा या लोकल ऑब्जेक्ट होगा या लोकल वेरिएबल होगा जो आपके लोकल डिक्शनरी का पार्ट होगा, ठीक है। अब ये किसके लिए है, आपके सिंपल लोकल वेरिएबल के मैपिंग के लिए यूज हो रहा है। हम एग्जांपल्स के थ्रू इन चीजों को समझेंगे, लेकिन मुझे इस पर्टिकुलर सिंटेक्स को देख के चीज समझ में आ रही है कि अगर आप देखो तो हमारे पास क्या है, पहला तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया जो कि हमारा स्ट्रिंग के टर्म में होगा जो कि पाइथन एक्सप्रेशन जैसा इवेल्युएट होगा, दूसरा ग्लोबल टर्म हो गया, ठीक है, डिक्शनरी का पार्ट, और तीसरा हमारा लोकल टर्म हो गया जो कि मैपिंग के लिए होगा, ठीक है, और ये भी आपका डिक्शनरी मैपिंग के लिए ही होता है। तो लोकल और ग्लोबल में अंतर बस सिर्फ इतना है, लोकल वैल्यू जब आप डिफाइन करते हो तो लोकल ऑब्जेक्ट की तरह उसको पास करते हो, और जब आप ग्लोबल वेरिएबल की बात करोगे या ग्लोबल जो कि क्या कहते हैं कहना चाहिए डिक्शनरी की मैपिंग ग्लोबली अगर आप करना चाहते हो तो आप उसको ग्लोबल्स की तरह यूज कर सकते हो। अब बातें आती है कि इसमें से अगर देखा जाए तो इवेल में एक्सप्रेशन ही कंपल्सरी वैल्यू है, बाकी ग्लोबल्स और लोकल्स आपके ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर अपन समझे, अगर इवेल में आप कोई आर्गुमेंट पास करते हो तो आपको कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। पहला प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया, इट मस्ट बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, जो भी एक्सप्रेशन है
वो आपका वैलिड पाइथन कोड होगा, ठीक है। और तीसरा, पाइथन अलाउज यू टू इवेल्युएट आर्बिट्री पाइथन एक्सप्रेशन फ्रॉम अ स्ट्रिंग बेस्ड और कंपाइल्ड कोड बेस्ड इनपुट, ठीक है। अब स्ट्रिंग बेस्ड और कंपाइल्ड कोड बेस्ड इनपुट का मतलब ये हुआ कि आप जो वैल्यूज पास करने वाले हो वो कैसी वैल्यूज है, या तो स्ट्रिंग होगी या कंपाइल्ड कोड भी आप पास कर सकते हो। अगर कंपाइल्ड कोड आप पास करते हो तो उसमें आपका जो कहना चाहिए एग्जीक्यूशन होगा वो फास्टर होगा। इसके भी एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे। तो हमारे पास जो मेजर थिंग्स है वो क्या है, पहला है कि आपको जो वैल्यू पास करनी है वो स्ट्रिंग होगा। अब जो भी वैल्यू आप पास कर रहे हो वो आपका वैलिड पाइथन कोड है, ठीक है, या एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब जो वैल्यू रिटर्न होगी वो एक्सप्रेशन के इवैल्यूएशन के बेस्ड पे होगी। और लास्ट बात यह आती है, जो आपका एक्सप्रेशन है वो या तो स्ट्रिंग होगा या तो कंपाइल्ड कोड होगा। देखते हैं, जैसे हम समझते हैं, अगर हम सिंपल बात करें तो सबसे पहले मेरा दिया हुआ है x इक्वल टू वन, ठीक है। अब अगर x इक्वल टू वन गिवन है, समझो मेरी बात को, अब मैंने बोला बेटा इसको मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं डायरेक्टली यहां पास तीन वैल्यूज के टर्म में पास कर देता। चलो उसको भी हम देखेंगे, पहले हम सिंपल समझते हैं। अब मैंने मान लो बोला मैंने x इक्वल टू वन पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने बोला eval, और eval के अंदर मैंने पास किया सिंगल कोट्स में x प्लस वन, क्योंकि स्ट्रिंग के टर्म में देना है बेटा, स्ट्रिंग के टर्म में देना है x प्लस वन। तो देखो x की वैल्यू वन है, वन प्लस वन इवेल्युएट हुई। अब आपको पास भले ही स्ट्रिंग के टर्म में कर रहे हो, लेकिन eval क्या करता है, ऑटोमेटिकली टाइप को कन्वर्ट कर लेता है, वैल्यूज को देख के ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेता है। मतलब eval के टर्म में जो पाइथन का इंटरप्रिटर है, eval जो बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया हुआ है कि वो वैल्यूज को देख के स्मार्टली उसको ऑब्जर्व कर ले कि ये वैल्यू कैसी है। क्यों? क्योंकि याद करो हम पहले पढ़ते थे कि अगर आपके जो एक्सप्रेशन है आपने अगर स्ट्रिंग के टर्म में उसको क्या कहते हैं इनपुट किया हुआ है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग के टर्म में ही इनपुट होता है। अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो इंटीजर में तो इंटीजर फंक्शन यूज करते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो फ्लोट में तो फ्लोट फंक्शन यूज करते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो बूलियन में तो बूल फंक्शन यूज करते हो। लेकिन ईमेल के केस में आप देखो, आप एज ए स्ट्रिंग पास कर रहे हो आर्गुमेंट, लेकिन जैसे ही एक्स प्लस वन हुआ, वन प्लस वन इवेल्युएट होकर कितना आ गया, टू आ गया, ठीक है। तो वन प्लस वन होते ही क्या आ गया आपके पास, टू आ गया। अब जैसे ही टू आया बेटा, तो समझो मेरी बात को, टू आते ही हमारे पास क्या हुआ, जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो गई। इसका मतलब ईमेल के अंदर ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन भी हो रहा है, ऑटोमेटिकली वो समझ जा रहा है कि जो वैल्यूज है वो कैसी है, न्यूमेरिक है। तो जब हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कॉन्केटिनेशन नहीं होगा। तो ईवेल की ये भी खासियत है, ऑटोमेटिकली कन्वर्जन भी हो जाता है। तो वन प्लस वन कितना हो गया, टू, और प्रिंट से आपका टू आ गया, ठीक है। इवन इसमें अगर आप देखो तो जैसे हमने देखा था पिछली क्लास में डायरेक्टली और हेल्प, वो भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, तो मैथ आपकी क्या है, मॉड्यूल है, उसमें से मैंने सारे के सारे फंक्शंस यूज कर लिए, मान लो इस लाइन से हमारा तो यही मतलब है। या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट डायरेक्टरी, अगर केवल डीआईआर ही लेना है तो। अब यहां पर मैंने बोला प्रिंट ईवेल डायरेक्टरी, तो अभी क्या डायरेक्टरी की लिस्टिंग आ गई। वैसे ही सेम आप जाओगे हेल्प के लिए भी लिखोगे तो आप डायरेक्टरी की जगह हेल्प लिख दोगे, तो आपका हेल्प वाला जो काम पहले हो रहा था प्रिंट के थ्रू वही ईवेल के थ्रू भी होने लगेगा। अब देखो, अब मैंने क्या बोला x इक्वल टू ईवेल 12 प्लस 3, ठीक है। अब जैसे ही मैंने बोला 12 प्लस 3 और प्रिंट मैं करूंगा x, x का मतलब हुआ 15, ठीक है। तो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब आप देखो, आप चाहे सिंगल कोट्स में करो या डबल कोट्स में, स्ट्रिंग के टर्म में होना चाहिए, लेकिन ईवेल क्या करता है ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर लेगा जिस पर्टिकुलर टाइप का एक्सप्रेशन होगा। यहां वो स्मार्टली बिहेव करता है, कन्वर्जन ऑटोमेटिकली कर लेता है। तो 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15। फिर अपन ने बोला 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब आपने ईवेल करने के बाद आपको आपने एक्स में उसको स्टोर करा लिया, तो प्रिंट एक्स से कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। अब मैंने लिखा एक्स इक्वल टू ईवेल 12 प्लस 3 इंटू 6, तो बट ऑब्वियस है जो आपका प्रेसिडेंस होता है वो मल्टीप्लीकेशन का हायर होता है,
तो पहले 3 × 6 कितना हुआ 18 + 12, तो प्रिंट कितना होगा 13। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, प्रिंट डायरेक्टली 2 कर दो, तो प्रिंट 2 करोगे तो 2 ही प्रिंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर और नॉट? यस सर। गुड, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो बेटा हमें समझ में क्या आया, इससे समझ में क्या आया कि कर क्या रहा है? अगर आप देखो तो हमने दो चीजें ऑब्जर्व की। पहली चीज तो ये समझ में आया कि अगर आप उसको वैल्यू कुछ भी दो, कन्वर्जन ऑटोमेटिकली होता है, और वैल्यू देना है आपको स्ट्रिंग के टर्म में, क्योंकि मैं अभी केवल एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, केवल एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर हम ईवेल को कॉल करते हैं विद ए स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट, तो फंक्शन रिटर्न क्या करता है? इवैल्यूएटिंग द इनपुट स्ट्रिंग। लेकिन होता क्या है, जो इनपुट स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज होती हैं उसके अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट जो ईवेल के पास ग्लोबल और लोकल वाली वैल्यूज होती हैं ऑप्शनल होती हैं, एम्प्टी होती हैं, तो अगर आप उसको ले रहे हो नहीं ले रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रिंग बेस्ड एक्सप्रेशन की बात करते हैं और पाइथन का ईवेल फंक्शन रन होता है तो होता क्या क्या है? पहले सबसे पहले पार्सिंग होती है एक्सप्रेशन की, देन बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, देन पाइथन का एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है। तो अगर आप सिक्वेंस देखो तो क्या हुई, पार्सिंग हुई एक्सप्रेशन की, देन बाइट कोड में आपका कन्वर्जन हुआ, ठीक है। अब बाइट कोड में आपका कन्वर्जन होने के बाद पाइथन का एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुआ, और इवेल्युएट होने के बाद आपका रिजल्ट आया। तो देखो पार्सिंग जो हुई वो आपका कैसा हुआ, स्ट्रिंग के टर्म में। ये हमको पता है कि पार्सिंग जो हो रही है वो स्ट्रिंग के टर्म में हो रही है, इसलिए वैल्यू आप स्ट्रिंग के टर्म में लोगे। फिर देन बाइट कोड बन गया, बाइट कोड बनने के बाद पाइथन का एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुआ, ऑटोमेटिकली वो देख लेगा कि किस टाइप का डेटा टाइप डेटा है, उसके हिसाब से उसको इवेल्युएट कर लेगा, देन फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा। इट मींस द नेम एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट आर्गुमेंट टू ईवेल हाइलाइट्स दैट द फंक्शन वर्क्स ओनली विद एक्सप्रेशन एंड नॉट विद द कंपाउंड स्टेटमेंट, एंड द एक्सप्रेशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, बट द इवेल्युएशन इज डन बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। ये बात है तो मुझे समझ में आ गई। जैसे कुछ एग्जांपल अगर हम और देखें जो नॉर्मल हम ऑपरेशन प्रिंट के थ्रू करते थे, यहां आप चाहो तो इसको एक्स में स्टोर करके और प्रिंट एक्स भी कर सकते हो। मैंने डायरेक्टली लिखा ईवेल और डबल कोट्स अंदर 2 और यहां लगाया पावर 8, ठीक है तो 2 to the power 8 का आउटपुट आ जाएगा। अब आपने बोला 1024 + 1024 2048 आ गया। अब आपने बोला x = 100, ठीक है x = 100, तो आपने बोला ईवेल x × 2, 100 × 2 कितना आ गया 200 आ गया। मतलब जितने भी बेसिक ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे थे वो सारे के सारे ऑपरेशन आप इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हो ईवेल के थ्रू एक्सप्रेशन के टर्म में, ठीक है। अब लेकिन ध्यान रखना ईवेल में असाइनमेंट ऑपरेटर अलाउड नहीं है, तो आप ईवेल पाई इक्वल टू 3.1416 करेंगे तो सिंटेक्स एरर आएगा, इनवैलिड सिंटेक्स एरर आएगा, ठीक है। अब बेटा बात आती है, इसके पास अगर अपन देखें तो आप एक्सप्रेशन को कंपाइल्ड कोड के टर्म में भी सेंड कर सकते हो, मतलब एक्सप्रेशन जो होगा वो पार्सिंग आप कंपाइल्ड कोड के टर्म में भी भेज सकते हो। अगर कंपाइल कोड के टर्म में भेजते हो तो आपका जो कहना चाहिए एग्जीक्यूशन होगा वो फास्टर होगा। एक कंपाइल्ड कोड होता क्या है, तो मैंने आपको बताया आप क्या पास कर सकते हो, कंपाइल्ड कोड ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो पाइथन के ईवेल में, ठीक है। अब इसके लिए जो कंपाइल्ड कोड होता है इसको पास करने के लिए आपको कंपाइल नाम का फंक्शन यूज करना पड़ता है, ठीक है। कंपाइल्ड कोड के लिए फंक्शन कौन सा यूज करना पड़ेगा, कंपाइल। ये आपका बना बनाया फंक्शन है, ठीक है, जो क्या करता है, इनपुट जो भी स्ट्रिंग है आपका जो कि कोड ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है, या उसी को हम क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री, दैट इज AST, वो क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री है, ठीक है। तो आपका वो क्या हो गया AST, एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री, ठीक है, जो कि इवेल्युएट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई कंपाइल्ड कोड पास करना चाहते हो तो कंपाइल फंक्शन का यूज करोगे, ये पहले से बना बनाया फंक्शन है, ठीक है, जो क्या करता है इनपुट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है और कोड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, समझना मेरी बात को, कोड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसके अंदर
जो वैल्यूज है या एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो कौन सी वैल्यूज होंगी? सोर्स वैल्यू होंगी। तो वैल्यू कौन सी होगी? सोर्स वैल्यू, जिसको आप कंपाइल करना चाहते हो, ठीक है। इसके अंदर आपके नॉर्मल स्ट्रिंग हो सकते हैं, बाइट स्ट्रिंग हो सकते हैं, और एएसटी के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। दूसरी बात ये आती है, अगर आप फाइल नेम देते हो तो ये बताता है फाइल से कोड को रीड करना है, ठीक है। अगर स्ट्रिंग बेस्ड इनपुट दे रहे हो तो आर्गुमेंट आपको बताना पड़ेगा स्ट्रिंग, अगर आप स्ट्रिंग बेस्ड इनपुट दे रहे हो तो आपको आर्गुमेंट बताना पड़ेगा स्ट्रिंग, ठीक है। फिर आपको मोड बताना पड़ता है, थर्ड पॉइंट क्या बताना पड़ता है? मोड। मोड क्या बताता है? किस टाइप का कोड कंपाइल करने वाले हो, विच काइंड ऑफ कंपाइल कोड यू वांट टू गेट, ठीक है। जैसे ईवेल के थ्रू आप कोड कहना चाहिए कोड वो करना चाहते हो, रिजल्ट इवेल्युएट करना चाहते हो, तो ईवेल पास होगा, ठीक है। मतलब समझो मेरी बात को, अगर हम कंपाइल की बात करें तो कंपाइल कुछ फंक्शन ऐसा होगा, समझो मेरी बात को, कंपाइल। अब आपने कंपाइल के अंदर आपने पहला एक्सप्रेशन दिया, एक्सप्रेशन आपका स्ट्रिंग है, तो आप बताओगे, याद करो हम जावा में पढ़ते थे जेनरिक स्टाइल, ठीक है, हम बताते थे हम किस टाइप का डेटा दे रहे हैं, जेनरिक स्टाइल हो गया कि मैंने यहां स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दी, तो दूसरा आपको बताना पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। तीसरा, अगर इवेल्युएशन जो आप कर रहे हो या जो आपको फाइनल इवेल्युएशन चाहिए हो, इवेल से चाहिए, तो यहां तीसरा जो आर्गुमेंट होगा वो आपका इवेल होगा। तो ध्यान रखो, जो कंपाइल फंक्शन होता है उसके अंदर इनपुट स्ट्रिंग आप रख सकते हो, उसको क्या कर देता है? कोड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, समझना मेरी बात को, कोड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। जो एक्सप्रेशन है उसी को हम सोर्स बोल रहे हैं, अगर वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है, स्ट्रिंग बेस्ड इनपुट है, तो आपका जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रिंग होना चाहिए, तो ये स्ट्रिंग होगा। अगर इवेल्युएशन इवेल के थ्रू हो रहा है तो जो तीसरा आर्ग्यूमेंट होगा वो आपका होगा इवेल, ठीक है। तो हमारे पास तीन पॉइंट्स हो गए, सोर्स होल्ड्स द सोर्स कोड दैट यू वांट टू कंपाइल, दिस आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नॉर्मल स्ट्रिंग, बाइट स्ट्रिंग एंड एएसटी ऑब्जेक्ट्स। अगर फाइल नेम दिया हुआ है तो कहां से रीड करना है वो बता दो, ठीक है। बट इफ यू आर गोइंग टू यूज स्ट्रिंग बेस्ड इनपुट, अगर स्ट्रिंग बेस्ड इनपुट आप लेना चाह रहे हो, देन द वैल्यू फॉर दिस आर्गुमेंट, सेकेंड आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। मोड क्या स्पेसिफाई करेगा? विच काइंड ऑफ कंपाइल कोड यू वॉन्ट टू गेट, इफ यू वॉन्ट टू प्रोसेस द कंपाइल कोड विद ईवेल, अगर ईवेल के साथ आप प्रोसेस करना चाहते हो तो आर्गुमेंट क्या होगा? ईवेल होगा। प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं बेटा, क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया कि ईवेल के वो कैसे कैसे काम होता है, तो ईवेल में सबसे पहले अगर आपने ईवेल के थ्रू उसको पास किया तो क्या होगा? कंपाइल्ड कोड इवेल्युएट होगा और रिटर्न करेगा रिजल्ट को। अब यहां समझो, अगर आपने कंपाइल लिख दिया तो जो कंपाइल फंक्शन है उसका कंपाइल्ड कोड जनरेट कर ही दे रहा है, तो वैसे भी एग्जीक्यूशन फास्टर हो गया ना। आपको जो ये कहना चाहिए बाइट कोड जनरेशन था, वो बाइट कोड जनरेशन आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, बिकॉज आपने कंपाइल फंक्शन यूज किया, वो क्या देगा? कंपाइल्ड कोड ऑटोमेटिकली देगा, तो बार 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 कंपाइलेशन की प्रोसेस पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फायदा होता है इससे। तो बेटा एग्जांपल से समझते हैं, देखो मैंने क्या बोला, मैंने यहां लिख दिया कंपाइल फंक्शन, मैंने आपको बोला तीन आर्गुमेंट चाहिए मुझे, ठीक है। मैं आपको स्ट्रिंग वाला सिंपल समझाता हूं, तो देखो बेटा मैंने पहला जो लिया 5+4 स्ट्रिंग वाला लिया, तो मुझे बताना पड़ेगा किस टाइप का है। जेनेरिक, याद करो जेनेरिक फंक्शन हम पढ़ते थे, हम बताते थे, स्पेसिफाई करते थे कि जो मैंने इनपुट लिया है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहां उसी स्टाइल में देखो मैंने लिखा है स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग टाइप का है, और मुझे किससे इसको इवेलुएट करना है, कोड कहां से चाहिए? इवेल से चाहिए, तो मैंने यहां डबल कोट्स में इवेल लिख दिया, डबल कोट्स में स्ट्रिंग बताया कि एज अ स्ट्रिंग मैं ले रहा हूं, ठीक है। अब मैंने बोला इवेल कोड, जैसे ही मैंने बोला इवेल और मैंने बोला इवेल कोड, तो क्या होगा? 5+4 का आउटपुट आ जाएगा, नहीं? तो अब इससे फायदा क्या हो रहा है? ये पहले हम इवेल से डायरेक्टली कर सकते थे, इवेल और ऐसा कर दो 5+4, इससे फायदा क्या हो रहा है? बस ये फास्टर हो रहा है, ये भी एक तरीका है, ये इससे क्या होता है, इससे भी काम हो जाता, लेकिन यहां से क्या हो रहा है? इससे जो पास हो रहा है ऑब्जेक्ट वो आपका कंपाइल्ड कोड पास हो रहा है, ठीक है। तो 5+4 कितना आ गया? 9 आ गया। अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं, तो देखो बेटा मैंने लिखा कोड कंपाइल, कोड इक्वल टू कंपाइल फंक्शन, और देखो मैंने 5+7 को
पैरेंथेसिस के अंदर दिया, ब्रैकेट के अंदर, तो बट ऑब्वियस इसका प्रेसिडेंस आई हो गया, तो 5 प्लस 7 12, 12 इंटू 2 24, दूसरा मैंने बता दिया स्ट्रिंग के टर्म में ले रहा हूं और इनपुट, और ईवेल के थ्रू इवेल्युएट होगा, और ईवेल के अंदर कोड पास कर दो जिसके अंदर आपकी वैल्यू स्टोर हो रही है, तो देखो 24 आ गया। अब इसको जैसे मैथ वाले जो आपके क्या कहते हैं जो फंक्शन होते थे और कॉन्स्टेंट होते थे उसके साथ भी यूज कर सकते हो, उसके लिए मैंने इंपोर्ट कर लिया मैथ को और कंपाइल मैंने किया 4 डिवाइड बाई 3 इंटू मैथ डॉट पाई इंटू मैथ डॉट पावर 25.3 स्ट्रिंग है इवेल है, तो देखो ये पावर आपका जनरेट होगा, ठीक है 25 टू द पावर 3 और 4 डिवाइड बाई 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, जो भी है ये आपका जो आउटपुट आएगा वो आपका आउटपुट आ जाएगा। यहां पर ऐसा लिखते हैं कि फ्रॉम मैथ, ये मैंने आपको सिखाया था इंपोर्ट करना फ्रॉम मैथ, और आपको चाहिए क्या क्या, पाई चाहिए, पावर चाहिए, तो आप डायरेक्टली लिख दो पाई कॉमा पावर, तो आप दोनों को यूज कर लोगे, ठीक है। अब यहां मैथ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर डायरेक्टली आप पाई लिख दोगे और पावर लिख दोगे, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने देखो लिखा है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, अब मैं डायरेक्ट पाई लिख रहा हूं, अब मैथ डॉट पाई लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्टाइल मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, ठीक है। तो 4 डिवाइड बाई 3 इंटू पाई, तो पाई आ जाएगा 3.14 इंटू पावर 25.3 इसका पावर आ जाएगा, जैसे यहां मैथ डॉट पाई लिखने से 3.14 आ रहा था और ये मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 3 में हो रहा था और इनटू मल्टीप्लिकेशन आपका मैथ डॉट पावर में हो रहा था, सेम कॉन्सेप्ट यहां। वैसे ही देखो मैंने यहां क्या किया, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी, तो अब एसक्यूआरटी की 16 के 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे आ जाएगा 4, ये स्ट्रिंग टाइप का है, ईवेल है, तो आपका इवैल्यूएशन होने के बाद आउटपुट कितना आएगा, 4 आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बस कंपाइल फंक्शन यूज करने से आपका एग्जीक्यूशन फास्ट हो रहा है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा बताओ, क्लियर है यस और नो, यस गुड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बेटा मैंने अगर लिखा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी और कंपाइल एसक्यूआरटी 16, तो आप देखोगे जब आप ईवेल कोड करोगे तो कंपाइलर एरर जनरेट करेगा, क्यों जनरेट कर रहा है बताओ, क्या रीजन है बेटा, कोई भी क्यों जनरेट कर रहा है, एरर जनरेट करेगा क्यों बताओ बच्चे, अगर एरर जनरेट कर रहा है तो क्यों जनरेट कर रहा है, जल्दी से बताओ, बड़ा सिंपल सा है, कंपाइल के पास कितने आर्गुमेंट होने चाहिए, देखो अगर आप आर्गुमेंट की बात करो कितने आर्गुमेंट होने चाहिए थे, बोलना है बेटा, आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी, तीन आर्गुमेंट होने चाहिए, तो यहां अगर एसक्यूआरटी 16 आपने लिखा है तो दूसरा बताना पड़ेगा स्ट्रिंग, और तीसरा क्या बताना पड़ेगा, तीसरा क्या बताना पड़ेगा, ईवेल, ईवेल, वेरी गुड, दैट्स व्हाई ये एरर दे रहा है, बिकॉज कंपाइल फंक्शन मिसिंग रिक्वायर आर्गुमेंट, ठीक है। तो देखो बेटा अगर हम कंपाइल कोड की बात करें तो फायदा क्या है, तो इफ यू कॉल पाइथन ईवेल यूजिंग अ कंपाइल्ड कोड, ठीक है, जैसे हमने किया बेस्ड इनपुट, देन द फंक्शन परफॉर्म द इवैल्यूएशन स्टेप एंड इमीडिएटली रिटर्न्स द रिजल्ट, इन दिस केस इट बेस्ट टू प्री कंपाइल द एक्सप्रेशन एंड रीयूज द रिजल्टिंग बाइट कोड ऑन सबसिक्वेंट कॉल्स टू ईवेल। अब इसमें फायदा क्या हो रहा है कि आप जब कंपाइल फंक्शन यूज कर रहे हो तो आपका बाइट कोड तो आ ही गया, बार बार जितनी बार आपको बाइट कोड की जरूरत होगी बस ईवेल उसको क्या करेगा, बाइट कोड को यूज करेगा, लेकिन अगर कंपाइल फंक्शन यूज नहीं करते हो तो क्या होगा, बाइट कोड जनरेट होगा, देन आपका क्या, सबसे पहले तो पार्सिंग हुई, पार्सिंग होने के बाद क्या होगा, बाइट कोड जनरेट होगा, बाइट कोड जनरेट होने के बाद क्या होगा, एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा, देन रिजल्ट आएगा। अब यहां बाइट कोड जनरेट हुआ, अब आप ईवेल कर रहे हो, बस डायरेक्टली क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। देन इफ यू कंपाइल द इनपुट एक्सप्रेशन बिफोर हैंड, देन सक्सेसिव कॉल टू ईवेल विल रन फास्टर, क्यों, बिकॉज यू वॉन्ट बी रिपीटिंग द पार्सिंग एंड कंपाइलिंग स्टेप, अननीडेड रिपीटेशन कैन लीड टू हाई सीपीयू टाइम्स एंड एक्सेसिव मेमोरी कंजम्पशन इफ यू आर इवेल्युएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, तो बार बार आपको कंपाइलेशन प्रोसेस की जरूरत ही नहीं होगी, टाइम कम लगेगा, एग्जीक्यूशन फास्टर होगा, तो ये कंपाइल फंक्शन से फायदा है, अदरवाइज ईवेल के थ्रू भी और डायरेक्टली आप काम कर लेते। अब बात करते हैं सेकेंड आर्ग्यूमेंट ग्लोबल्स के, ठीक है, अब हम ग्लोबल्स को कैसे लेते हैं ये हम देखेंगे। अभी तक तो हमने केवल ईवेल में एक ही एक्सप्रेशन लेना सीखा और दूसरा हमने कंपाइल फंक्शन के थ्रू सीखा। कंपाइल फंक्शन के थ्रू हमने क्या सीखा कि पहला एक्सप्रेशन अगर स्ट्रिंग है तो दूसरा भी आर्गुमेंट आपका स्ट्रिंग लेना पड़ेगा और जिसके थ्रू आप आउटपुट लेना चाहते हो या कहना चाहिए इवेल्यूशन करना चाहते हो वो आपको पास करना पड़ेगा, मतलब ईवेल पास होगा। अब ग्लोबल में क्या हुआ, ग्लोबल का सिंपल मतलब हुआ ऐसे नाम
जो कि करंट ग्लोबल स्कोप में है, करंट ग्लोबल स्कोप या नेम इसकी स्पेस में है, ठीक है, और आप उसको प्रोग्राम के किसी भी पार्ट से यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अगर जो ग्लोबल में पास हो गया, ठीक है, वो आपका इवेल में एग्जीक्यूशन के वक्त रहेगा, मतलब ऑल द नेम्स पास टू द ग्लोबल्स, इट इज ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड टू द ग्लोबल डिक्शनरी, करंट ग्लोबल डिक्शनरी, और अवेलेबल किसके साथ रहेगा हर समय, ईवेल के साथ रहेगा एग्जीक्यूशन के लिए। प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं बेटा, समझना मेरी बात को, लिखने का तरीका क्या होगा। अब देखो यहां पहला एक्सप्रेशन ये है, दूसरा ये जो है ना वो ग्लोबल है, ये आपका ग्लोबल है, कैसे डील करते हैं समझो। मैंने बोला x इक्वल टू 100, सिंपल ईवेल x प्लस 100 लिखता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलेगा ही, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर आप यहां ग्लोबल दे रहे हो तो आप देखो बता रहे हो x प्लस 100 और आपने बोला x, देखो यहां कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं इसको, डबल कोट्स में हमने x बोला, x कोलन x, मतलब x क्या है आपका, ग्लोबल है। x कैसा ऑब्जेक्ट है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है या ग्लोबल आर्गुमेंट है, ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। अब आपने बोला x प्लस 100 तो 200 हो गया। अब आप समझो, अब ये ग्लोबली डिक्लेयर हो गया, अब ये पूरे पूरे सेशन में मेंटेन है उस पर्टिकुलर पूरे पूरे कोड के लिए। अब मैं देखो, मैंने लिखा y = 200, मैंने बोला x plus y, अब मैंने x को तो बता दिया कि ग्लोबल है, डबल कोट्स के अंदर x कोलन, और मैंने बताया कि x है, ये ग्लोबल है। बताने का तरीका होता है डबल कोट्स में आप उस वेरिएबल को डिफाइन करते जाओ कोलन के साथ, ठीक है। लेकिन यहां मैंने y को नहीं बताया कि ये ग्लोबल है, दैट्स व्हाई ये बता रहा है कि नेम y इज नॉट डिफाइंड। लेकिन तीसरे में मैंने देखो, अब y इक्वल टू 200 यहां ले लिया, मुझे तीसरे एक्सप्रेशन में लेने की जरूरत नहीं है, ये मैं जुपिटर नोटबुक में आपको का जुपिटर नोटबुक में जो मैंने परफॉर्म किया हुआ उसका स्नैपशॉट है। अब देखो आप x इक्वल टू 100 ले लिया, y इक्वल टू 200 भी ले लिया, अब मैंने बोला इवेल x प्लस y, बस आप ग्लोबल बता दो कि x ग्लोबल x है, y ग्लोबली y है, तो आप x प्लस y बोलोगे 300 इवैल्यूएट हो जाएगा। बेटा तीसरा तरीका ये है x प्लस y प्लस z, x को बताया x है, y को बताया y है, z को बताया 300, ऐसा भी कर सकता हूं मैं, z को डायरेक्टली यहां बता दिया, x मुझे पहले से पता था कि x है 100, y मुझे पहले से पता है y है 200, तो 100 प्लस 200 300 प्लस z 300, तो ये आ गया आउटपुट 600। ऐसे हम वेरिएबल्स को ग्लोबल स्पेसिफाई करके उसकी करंट कहना चाहिए स्कोप में हम डिक्शनरी तैयार कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं आगे पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग कोड में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? क्लियर और नॉट? क्लियर सर। यस सर। गुड। अब बात आती है बच्चे, अगर मैं ब्लैंक छोड़ दूं, देखो यहां मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं हम, इसका सिंटेक्स समझो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है, ठीक है, मतलब कर्ली ब्रेसेस, फिर आपका जो भी वेरिएबल है और उसको आप क्या स्पेसिफाई कर रहे हो, ठीक है, वो आपको बताना होता है। ऐसा होता है मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूं तो भी दिक्कत नहीं है, मतलब आप कस्टम डिक्शनरी, अगर आपने ब्लैंक छोड़ा तो आप क्या पास कर रहे हो, कस्टम डिक्शनरी पास कर रहे हो, ठीक है, दैट डजंट कंटेन अ वैल्यू, जो कोई वैल्यू रख नहीं रहा है, ठीक है। इसका मतलब ईवेल के पास फुल एक्सेस है पूरे के पूरे बिल्ट इन नेम्स के, जो कि ऑटोमेटिकली इवेलुएट हो जाएगा। तो अगर आपने ब्लैंक छोड़ा तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लैंक छोड़ दो तब पता चलेगा कि ग्लोबल है जो बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन एक्सप्रेशंस को यूज कर रहा है। इट मींस इफ यू सप्लाई ए कस्टम डिक्शनरी जो कि कुछ भी कंटेंट नहीं करता है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ देन अ रेफरेंस टू द डिक्शनरी ऑफ बिल्ट इन विल बी ऑटोमेटिकली इंसर्टेड। तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर होगा वो ऑटोमेटिकली बिल्ट इन का रेफरेंस पास कर देगा, बिल्ट इन का रेफरेंस इसके अंदर पास कर देगा, ठीक है। और जिसकी पूरी प्रिविलेज ईवेल की बात होगी तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ईवैल्यूएशन पॉसिबल है, ठीक है। तो मैंने बोला ईवेल पावर 10.2, तो बट ऑब्वियस है इसका 10^2 जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखो, अगर मैंने बोला इफ यू कॉल ईवेल विदाउट पासिंग अ कस्टम डिक्शनरी टू ग्लोबल्स देन द आर्गुमेंट विल डिफॉल्ट टू द डिक्शनरी रिटर्न बाय ग्लोबल्स इन द एनवायरमेंट वेयर ईवेल इज कॉल्ड। जैसे मैंने बोला x इक्वल टू 100 ग्लोबल वेरिएबल है, y इक्वल टू 200 अनदर ग्लोबल वेरिएबल है, डायरेक्ट मैं x प्लस y लिख दूं 300 तो भी दिक्कत नहीं है, ऐसा तो हम पहले भी कर रहे थे ना, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसको कैसे भी कर सकते हैं, ईवेल लिख के और उनको हम स्पेसिफाई करें कि मैंने इसको ग्लोबल डिक्शनरी में रखा हुआ है। रखने का तरीका आपको बताना पड़ेगा, x के लिए भी,
डबल कोट्स के अंदर, और फिर वाई के लिए भी बताना पड़ेगा। मैंने बताया हुआ है देखो यहाँ पुराने प्रोग्राम्स में, यहाँ बताया हुआ देखो, एक्स के लिए भी बताया और वाई के लिए भी बताया। तो दोनों तरीके एक्सेप्टेबल है बेटा, अलग अलग तरीके हैं इवेल्युएट करने के लिए। थर्ड बेटा आता है लोकल्स, ये आपका अगला ऑप्शनल आर्गुमेंट है जो कि डिक्शनरी को होल्ड करके रखता है, ठीक है। अब इस केस में जो डिक्शनरी कंटेन करता है वेरिएबल को, उसको लोकल नेम के साथ इवेल्युएशन होता है, ठीक है। अब लोकल तो कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, क्लासेस भी हो सकते हैं। हम यहां बात करेंगे अभी वेरिएबल्स की, ठीक है। लेकिन लोकल क्या होगा कि विजिबिलिटी क्या होगी, केवल उस पर्टिकुलर फंक्शन तक ही होगी, और ग्लोबल की विजिबिलिटी क्या होगी, पूरे प्रोग्राम में। समझो मेरी बात को, अगर प्रोग्राम का स्कोप है ए वाला तो पूरे प्रोग्राम में इसका स्कोप है, अगर हम बात करते हैं इस प्रोग्राम का स्कोप ए है और इसके अंदर केवल ए फंक्शन है, तो लोकल का क्या होगा, केवल इस फंक्शन के अंदर स्कोप होगा, ठीक है। और ग्लोबल का क्या होगा, पूरे प्रोग्राम में स्कोप होगा। लोकल और ग्लोबल में आप अंतर समझते ही हो, ठीक है। अब लोकल क्या हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, क्लासेस भी हो सकती है। ग्लोबल वेरिएबल भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, क्लासेस भी हो सकती है, ठीक है। सो इवेल अगर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर पहले से लिखा हुआ है, यू कांट एड लोकल नेम्स टू इट्स कोड और लोकल स्कोप, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हो, आप डिक्शनरी को पास कर सकते हो ना। However, you can pass a dictionary to local and eval will treat those name as local name. ठीक है, डिक्शनरी के टर्म में पास कर सकते हो। कैसे देखो, समझो। जैसे बेटा मैंने बोला eval x plus 100 और पहला वाला मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, तो बिल्टिन पास हो जाएंगे। एक इसके लिए ग्लोबल के लिए, एक इसके लिए ग्लोबल के लिए, तो बाई डिफॉल्ट बिल्टिन पास हो जाएगा। बाई डिफॉल्ट बिल्टिन का रेफरेंस, ठीक है, यहां पूरा पूरा अटैच हो जाएगा। Evil के पास पूरी अथॉरिटी होगी, पूरी प्रिविलेजेस होंगे पूरे के पूरे बिल्टिंस के, ठीक है। अब मैंने बोला x equal to 100, देखो कॉमा करके मैंने बोला x equal to 100, तो देखो मैंने ये लोकल बताया है जिसका स्कोप लिमिटेड है। अब 100 प्लस 100 कितना हो गया, 200, ठीक है। अब मैंने बोला x प्लस 100 और लोकल्स बोल दिया x equal to 100, ऐसा लोकल्स करके भी लिख सकते हैं। लेकिन आप देखो जब लोकल्स दे रहे हो ना, तो आपको यहां ग्लोबल स्पेसिफाई तो करना पड़ेगा, ग्लोबल आपने स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। और साथ में अगर आप देखो तो यहां कीवर्ड आर्गुमेंट कोई है ही नहीं, तो इसलिए एरर देगा। अब यहां देखो, अगर आपने x प्लस 100 बोला और आपने यहां पर ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है, और x कैसा है आपका, ग्लोबल है, इसलिए x को ये डिफाइन नहीं मान रहा है। जब आपने ग्लोबल डिफाइन किया है और यहां आपने कर्ली ब्रेसेस ब्लैंक छोड़ दिया, तो दिक्कत है। फिर या तो आप उसको नॉर्मल इवेल्युएट करो, इवेल x प्लस 100 चलेगा। लेकिन आपने अगर उसको ग्लोबली बताया और साथ में आपने कर्ली ब्रेसेस लिखा हुआ है, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसको डिफाइन करना जरूरी है, फिर एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हैं। आप डायरेक्टली ऐसा कर लो, x इक्वल टू 100, इवेल x प्लस 100 चलेगा। लेकिन अगर आपने ग्लोबल स्कोप लिखा हुआ है, तो ग्लोबल स्कोप के साथ आपको x को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि बिल्टिन से तो केवल बिल्टिन जो फंक्शंस है वो सारे के सारे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, लेकिन जो आप वेरिएबल दे रहे हो उसका स्कोप तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इवेल में टाइप कास्टिंग जो होता है ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली, ठीक है। मीन्स इवेल क्या करता है, इवेल फंक्शन ऑटोमेटिकली आर्गुमेंट को इंटरप्रिटेट करता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली इंटरप्रिटेट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली उस टाइप से जिससे वो रिलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें, मैंने बोला x इक्वल टू इवेल 2.5 और अगर मैं बोलता प्रिंट x, जैसे मैंने यहां बोला देखो x इक्वल टू इवेल 2.5, मैंने बोला प्रिंट x, तो देखो क्या प्रिंट हो रहा है, 2.5। और बेटा इसका टाइप अगर आप निकालोगे ना, तो ऑटोमेटिकली फ्लोट आएगा, स्ट्रिंग नहीं आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहां पाइथन का इंटरप्रिटर स्मार्टली बिहेव करेगा और बता देगा कि किस टाइप की आप वैल्यू लिए हुए हो। मतलब आपने एक्सप्रेशन स्ट्रिंग के टर्म में पास करना है, लेकिन वैल्यूज को देख के इंटरप्रिटेशन इवेल ऑटोमेटिकली कर लेता है। तो यहां देखो फ्लोट बता रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको लिखता x इक्वल टू 2.5 और डायरेक्टली प्रिंट x करता, तो 2.5 आता, और मैं अगर इसका टाइप देखता किस डेटा टाइप को बिलोंग करता है, तो स्ट्रिंग देता। क्यों? क्योंकि मैंने यहां इवेल यूज नहीं किया हुआ है। देख लो, दोनों में डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा कि अगर मैंने यहां इवेल यूज किया तो ऑटोमेटिकली कास्टिंग हो रही है, और अगर मैंने इवेल यूज नहीं किया तो जो पाइथन का इंटरप्रेटर है उसको एज अ स्ट्रिंग ही ले रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर और नॉट? बोलो बच्चे,
यस सर, क्लियर। सर ठीक है, सर एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से देखो मैंने बेटा बताया था कि आप जब क्या करते हो ना, इनपुट करते हो, याद करो इनपुट करना हमने सीखा ना, ठीक है। अब इनपुट हम करते थे तो इनपुट में याद करो कि जब हम इनपुट लेते थे, याद करो इनपुट फंक्शन होता था। अब इनपुट फंक्शन में से हमको यहां कोई नंबर इनपुट करना होता था तो वो स्ट्रिंग के टर्म में इनपुट लेता था, ठीक है। फिर अगर मान लो उसको स्ट्रिंग नहीं लेना है, मुझे न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अगर इंटीजर टाइप का है तो मुझे इसके साथ लगाना पड़ता था इंटीजर फंक्शन, याद आया। अगर फ्लोट लेना है तो मुझे लगाना पड़ेगा फ्लोट फंक्शन, मतलब फ्लोट फंक्शन लिया ऐसा, फिर इसके अंदर इनपुट पास करो, तो क्या करेगा, इनपुट भी कर लेगा और उसको फ्लोट में कन्वर्ट भी कर देगा, याद आया। ये चीज याद आ रही है नहीं आ रही है, याद करो, ठीक है। वैसा ही अगर देखो मैंने अगर एक्सकेप साथ सिंगल कोट्स में लिख दिया 2.5, तो एज अ स्ट्रिंग ही मानेगा इसको, प्रिंट करूंगा तो 2.5 आएगा और इसका टाइप देखूंगा तो आएगा स्ट्रिंग। लेकिन अगर मैं ईवेल करूंगा ना तो क्या करेगा, लेगा तो एज अ स्ट्रिंग लेकिन इसके अंदर वैल्यू कैसी है, डेसिमल वाली, ठीक है। प्रिंट कर दिया आपका 2.5 और डेसिमल वैल्यू को देख के ईवेल जो है ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट कर देगा और बता देगा कि ये फ्लोट टाइप का है, मतलब नेचर के थ्रू उसका जो भी नेचर होगा डेटा टाइप का उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है ईवेल। इज दैट क्लियर, क्लियर और नॉट? यस सर। गुड, आगे बात करते हैं। तो अगर बेटा इनपुट फंक्शन की हम बात करें तो याद करो इनपुट फंक्शन के थ्रू हम इनपुट लेते थे, याद करो इनपुट हम लिखते थे ऐसा इनपुट फंक्शन। लेकिन इनपुट फंक्शन का ये ड्रॉबैक ये था कि बाय डिफॉल्ट इनपुट कुछ भी करो वो लेगा स्ट्रिंग के टर्म में, वो लेगा कैसा, स्ट्रिंग के टर्म में। इनपुट कुछ भी करो लेगा तो स्ट्रिंग ही, इनपुट आप कुछ भी करें स्ट्रिंग ही लेता है। तो याद करो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना होता था इंटीजर टाइप में तो मैं यहां आगे लगा देता था इंटीजर फंक्शन। तो अब जो आपने इनपुट किया ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में। तो अब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर पाओगे, डेसिमल में लेना है तो आप फ्लोट लगा दोगे, बूलियन ट्रू और फॉल्स में लेना है तो बूल लगा दोगे। ये याद है बेटा, याद है या नहीं है बताओ, ये चीज याद आ रहा है, इनपुट लेना तरीका याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, पिछली क्लास में डिस्कस किया था, बोलो बेटा। यस सर, ठीक है सर, ठीक है। तो अब बताओ मुझे अगर मैं इस इंटीजर फ्लोट और बूल के जगह अगर ईवेल ले लूं और फिर इनपुट फंक्शन लूं तो कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, एक सॉरी कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी बताओ? नहीं पड़ेगी सर, नहीं पड़ेगी, बिकॉज ईवेल तो ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट कर ही लेता है। तो बेटा अगर इनपुट के साथ ईवेल यूज करें ना तो कोई कास्टिंग की जरूरत नहीं है, कोई इंटीजर फंक्शन, कोई फ्लोट फंक्शन, बूल फंक्शन की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इनपुट देख के और उसी के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये फायदा ईवेल का, तो ईवेल के थ्रू इनपुट लेने का ये फायदा है कि आपको अलग से कोई भी इंटीजर फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, बूल फंक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं बच्चे एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखो सिंपल इनपुट तो हम लेते ही थे, इनपुट टाइप एनी वैल्यू, तो लिखा हुआ आएगा टाइप एनी वैल्यू और हमारा पाइथन का इंटरप्रिटर वेट करेगा जब तक कि हम कोई वैल्यू इनपुट ना कर दें। अब यहां एक वेरिएबल है तो एक वैल्यू के लिए वेट करता रहेगा, मैंने दिया 7। अगर इनपुट की बात करें तो एक जो पाइथन का इंटरप्रिटर है इसको 7 को समझेगा स्ट्रिंग, अगर मैं यहां इंट लगा दूंगा इंट फंक्शन तो इस स्ट्रिंग को 7 न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन मैंने लगाया ईवेल, वो देखेगा जैसे ही मैंने 7 इनपुट किया तो क्या बोलेगा, 7 को किसमें कन्वर्ट कर दो, इंटीजर में, प्रिंट ए करूंगा 7 आ जाएगा, प्रिंट टाइप करूंगा इंटीजर आ जाएगा। मैंने अपने कंप्यूटर में जब इसको रन किया था तो मैंने दिया टाइप एनी वैल्यू 3.4, ऑटोमेटिकली ईवेल क्या करेगा इसको फ्लोट में ले लेगा, 3.4 प्रिंट करेगा और जब आप इसका टाइप पूछोगे तो ये बताएगा कि ये फ्लोट क्लास को बिलोंग करता है या डेसिमल वैल्यू है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, इसको हमें इनपुट में हर जगह यूज में आएगा, समझ में आ रही है बात की नहीं? क्योंकि हमको फिर इंटीजर फ्लोट और बूल के चक्कर में नहीं पड़ना, हम तो डायरेक्ट ईवेल लिख देंगे। अब जो यूजर है वो जो इनपुट कर दे ईवेल अपने आप समझेगा और उसको ले लेगा, एक्सेप्ट कर